लेके नहीं आती भाई, हमेशा इसका ये रहता है। यहाँ पे देखो गाइस, बुक कर लो। ये जूते वैसे भी बेकार हो रहे थे। और हम लोग जो आ रहे हैं आज मार्केट, मतलब कुछ काम है तभी। अब देख लेना क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये पहन रखा है, अच्छे से नहीं दिख रहा ये। बाय। अब देखते हैं मैडम ने क्या पहन रखा है। ये रही यहाँ पे। मैं पता नहीं क्या ही बन के जा रही हूँ, ऐसे कपड़े ही नहीं है यार मेरे पे, तो कोई दे देना मेरे को कपड़े। जा रहा मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि उनमें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, और कंफर्टेबल ऐसे कपड़ों में फील होता है। बाहर जोर से लग गई। ये रहा, अब मैं ऐसे जाऊँगी। बाय गाइस। और वो देखो, मैंने वो टी शर्ट वहाँ पे, शर्ट सॉरी, वो फेंक दी। और यहाँ पे तैयार हो जल्दी। और यहाँ पे इसने कुछ मंगाया था गाइस देखो, और मेरे से बोलती है तुम मंगाते रहती है। टीचर ना मैं चेंज कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है। और ये रही हनुमान जी की गदा वाली, अच्छी लग रही है ना गाइस, कमेंट करना अच्छी लग रही है। नहीं चाबी, मतलब नई की चेन, पुरानी वाली भी अच्छी थी पर ये हनुमान जी वाली है ना तो ज़्यादा अच्छी है। और अब कहाँ गई, ओह है ही नहीं। गाइस आज हम कहीं जाने वाले हैं, बहुत ख़तरनाक जगह। ऐसा मैं खाली बोल रही हूँ ताकि लोग सोचें कि कहाँ जाने वाली है, इसलिए बोल रही हूँ। कहीं नहीं जाने वाला है, मार्केट ही जाने वाला है, पहले बता दिया मैंने आपको। और ये रहा एक और सा शीशा, हमारे घर में शीशे शीशे हैं। और ये रहा पंखा। चलो गाइस बाय, अब जाके जाते समय मिलूँगी मैं आपको। मैं पुराना वाला लगा रही हूँ, मतलब दोनों लगा रही है क्योंकि पुराना वाला भी अच्छा था हमारा। और यहाँ पर ना हमारा कल्लू कालिया बैठा है। कालू हेलो गाइस, कैसे हो, ठीक हो? चल चलो गाइस अब हम जा रहे हैं। पंखा तो बंद कर ले क्या? हाँ मेरा फ़ोन गाइस, मेरा एक लौता प्यारा सा फ़ोन जिसको मुझे प्राण से ज़्यादा प्यार है। इसका ना पीछे का गुम गया, मिल नहीं रहा, अभी मिल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कितना सुंदर है। और मैं ना चप्पल पहन के जाऊँगी क्योंकि मुझे ऐसे दिक्कत आती है सब पहनने में, ऐसे जाऊँगी जो रहे। तैयार हो गई मैं तो, ऐसा लग रहा है कि मैंने तो मुँह ही नहीं धोया, ऐसा लग रहा है मुझे। क्या होता है ना स्कूल के टाइम पे, मेरी टी शर्ट लेके आ रहा हूँ। टी शर्ट, टी शर्ट लेने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो ये जा रहे हैं क्लिनिक पे। इस मेरे को ना ये जूते वो ले जाने हैं, चिपकाने ले जाने हैं क्योंकि इनसे मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिल करी है। और ये मेरे 9th क्लास से हैं गाइस, और अब ये बहुत ज़्यादा पुरानी, मतलब इनकी हालत ख़राब हो चुकी है और लास्ट साल है, इसलिए मैं नए जूते भी नहीं लेने वाली। और ये जूते पहन रही यहाँ पे, ठहरा तो दे। चलो गाइस मिलते हैं अब बाद में ही, अब तो पक्का बाद में मिलेंगे। फाइनली हम बाहर निकल चुके हैं। स्कूटी की चाबी लाई, चल क्या यार, मतलब गाइस ये देखो, ये देखो कालू, कालू बोले हेलो गाइस कैसे हो। देखो उसने जीप से अपना इशारा दिया, वो वही कहना चाहता था। वो बेजुबान है यार, उसकी भाषा को समझने के लिए। कहाँ है दूसरे हेलमेट, कहाँ है? देखो हमारे यहाँ का ना सिर्फ काले काले कुत्ते हैं, काले काले लोग हैं। अबे यार लेके नहीं आती भाई, हमेशा इसका ये रहता है, एक बार बाहर भेजती फिर अंदर को ले जाओ। को बात है गाइस, मूड अच्छा बनाना चाहिए हमेशा अपना। कहाँ मिलेगा अब, यहाँ पे हमारा टकलू सा हेलमेट। मम्मी मम्मी हेलमेट कहाँ है? सोई मम्मी। चलो गाइस, हाँ हाँ कहाँ है भाई, यहाँ के ना रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और हमने आजकल सोफे बना रखे ना, यहाँ पे चिल्ला रहा है गाइस, इसकी आवाज़ को इग्नोर करो। अभी मैं हाथ फ्री नहीं है, हमने नए सोफे बनाए ना गाइस, इससे समाज ना बेड में से निकाल रखा था। और हमने अब बेड भी शिफ्ट कर लिया है, मतलब वो बेड खोल लिया है तो सामान रखने के लिए हमें एडजस्ट करने के लिए टाइम चाहिए। अभी मैंने इतना सब कुछ भी बोला पता नहीं। चल तो शराब, नई रोड भी बन चुकी है, पहले यहाँ रोड बहुत ख़राब थी मैं, और यहाँ पर ना अब सब घर बन चुके हैं, तो मैंने पहले भी बोल दिया होगा। और हमारी गाड़ी बिना किक मारे स्टार्ट नहीं होती, मैं मारती हूँ। चल
देखना गाइस अभी मेरा जलवा भी रुक जा। हो गया ना बोल, अब मेरे को चैलेंज करती है ऐ तो चिरकुंडी जैसी। चलो गाइस अब आपको रास्ते का ही व्यू दिखाऊंगी। आपको ना गड्ढे बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। आराम से चलाना, गिरा मत देना तू कहीं। ड्राइवर तो चलो हम बहुत हैवी ड्राइवर है तो ये छोटी मोटी बात है, मान लो कुछ नहीं है। मेरे को डोसा अच्छा लगता है। नहीं खाया है ना मैं तो खाओ, वो भी खाऊंगी मैं, डोसा भी खाएंगे। आई लव डोसा गाइस। भाई शादियों में भी ना कितनी होता है गाइस शादी। भाई अगर गाइस अगर महिला संगीत होती ना, मैं डोसा खाने के लिए जाती हूँ महिला संगीत में भी सिर्फ। भगवान मेरी बहन को बुद्धि देना। मेरी आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही होगी? आ ही रही होगी वैसे तो। वाली रोड में आई हूँ गाइस। अंग्रेजी शराब पी लो यहाँ पे से, छोटे छोटे बच्चे। गाइस अब हम पहुँच चुके हैं जहाँ से हमें दवाई लेनी है। कहाँ पे से है, कहाँ है? घर घर जैसे दिख रहा है। ओ ये है गाइस यहाँ पे, पूरी कॉलोनी है यार इधर को तो। वैसे मैं यहाँ आई हूँ शायद दो तीन पाँच बार तो नहीं आई हूँ, मैं पहली दूसरी बार आ रही हूँ। गाइस यहाँ पर से दवाइयाँ ले रही अभी। यहाँ को ना यहाँ पे बहुत अच्छा है, बस इतना ही। रानी भी अच्छी है। गाइस मैं बैठे बैठे बोर हो चुकी हूँ यहाँ पे, बहुत टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। गाइस हम यहाँ पे जा रहे हैं कमल स्वीट्स। बर्गर खाया तुमने यहाँ पे? डोसा मंगा, डोसा और एक डोसा मंगा और एक फुल वेज मोमो बस। गाइस अब मोमो आ चुके हैं, देखते हैं। लाल चटनी पिएगी क्या पूरा? अब पी भी सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है वैसे। बिल्कुल अच्छे नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। पास्ता आ रहा है, मेरा तो डोसा आएगा वही खाऊंगी भाई। बस हो गया, मुझे बस इसका इंतजार था और ये आ गया। आई लव डोसा। महारानी ने मोमो तो खा लिए, मतलब मैंने भी खाए राइट। शुरू हो जा चल। यहाँ पे देखो गाइस भुक्कड़ लोग, कब से खाना नहीं खा रहे गाइस, नहीं कब की भूखी है यहाँ पे। मुझे भी खाया है इससे, तू नहीं खाएगी? अब ये सारा खाएगी, इतना बड़ा देख लो। अभी देखना गाइस ये भी हॉट। घर से पेट खाली करके आई थी, एकदम ज़्यादा ज़्यादा खाऊंगे करके। बस कर, साफ हो गया गाइस यहाँ पे। जा तू वहीं पर, चलते अब आ गए हैं इसका जूता सिलवाने। देखो कैसे सिलते हैं अंकल। अब उनको यही काम करना है ना, जूते उनका वही काम है। अबे किसी बोलती है ऑडियंस हमारी, ये जूते वैसे भी बेकार हो रहे थे, एक साल से चला। किसी को चप्पलों का फीता चाहिए तो यहाँ से संपर्क करें। देखो एक से एक चप्पल के फीते हैं, और चप्पल चाहिए तो ये मेरे जैसे यार खेरे ये। तो चप्पल जूते चाहिए तो यहाँ से ले जाओ अंकल के यहाँ से। कील ठोक के नहीं उखड़ेगा? नहीं सिलाई करना पड़ेगा। खर्च में नहीं आएंगे क्या? क्या कल परसों में? मैं सोची थी कल ले जाएंगे। चल अभी मिल जाएगा। धूप
इतनी ज़्यादा धूप हो रही ना, अंकल ने बोला तुम लोग छाया पे चले जाओ, मैं बना के देता हूँ। अंकल वहाँ पे बना रहे हैं, हम यहाँ पे छाया पे आए हैं। ये है लाल डांट वाली रोड। अब हम घर आ चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और हमने कुछ करा भी नहीं, मार्केट नहीं गए, और इसलिए अब यहीं पर व्लॉग ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय गाइस।